स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद और आज हम लोग पढ़ेंगे पोयम नंबर पहला द फाउंटेन, जिसके पोएट हैं जेम्स रसेल लोवेल। तो पहले स्टेंजा को देखते हैं। इन टू द सनशाइन, इन टू में सनशाइन धूप, धूप में फुल ऑफ लाइट, रोशनी से भरा हुआ रहता है। फवारा धूप में रोशनी से भरा हुआ रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग में उछलता रहता है एंड फ्लैशिंग और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से देर रात तक। स्टेंजा नंबर दो, इन टू द मून लाइट फवारा, चांद की रोशनी में। मून लाइट यानी कि चांद की रोशनी में। वाइटर देन स्नो, वाइटर अधिक सफ़ेद होता है। देन स्नो बर्फ से भी, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स हिलता है, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह। फवारा फूलों की तरह हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा, विंड्स मीन्स हवा, ब्लो मीन्स चलती है, जब हवा चलती है। फिर से, इन टू द मून लाइट चाँद की रोशनी में। वाइटर देन स्नो फवारा, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। वाइटर सो वेविंग सो फ्लावर लाइक, फवारा फूलों की तरह हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। स्टेंजा नंबर तीन, इन टू द स्टार लाइट तारों की रोशनी में। रशिंग इन स्प्रे, रशिंग मीन्स तेजी से भागता है, इन स्प्रे मीन्स फुहार। फवारा का जो फुहार है तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी बाई डे, हैप्पी मीन्स खुश रहता है। एट मिड नाइट, आधी रात में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। स्टेंजा नंबर चार, एवर इन मोशन, एवर मीन्स हमेशा, मोशन मीन्स गति। फवारे के गुणों का वर्णन इसमें करते हुए कभी कहता है कि फवारा हमेशा गतिशील रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, फवारा हमेशा, ब्लिसम मीन्स खुश, चेरी मीन्स प्रफुल्लित, फवारा हमेशा खुश और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और यह क्लाइंबिंग में चढ़ना हेवन वर्ड, और यह हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। नेवर अवेरी, और कभी नहीं थकता है। चारों लाइन में एक विशेष गुण है। पहले लाइन में फवारा हमेशा गतिशील रहता है, दूसरे लाइन में यह हमेशा खुश और प्रफुल्लित रहता है, तीसरे लाइन में यह हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, गति करता रहता है, और नंबर लास्ट लाइन का है कि नेवर अवेरी, और कभी नहीं थकता है। अब इसके बाद में स्टेंजा नंबर पाँच देखिए, ग्लेड ऑफ ऑल वीदर्स, फवारा जो है ग्लेड खुश रहता है। ऑल वीदर्स, हर मौसम में, फवारा हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और यह हमेशा, सीमिंग इस प्रतीत होना, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, और यह हमेशा सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यह लगातार ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आता जाता है, यानी कि कभी नहीं रुकता है। मोशन डायरेस्ट, और गतिशीलता ही इसका विश्राम है। इसका मतलब हो गया कि यह हमेशा गति करते रहने में ही विश्राम को प्राप्त करता है। स्टेंजा नंबर सिक्स को आप देखिए, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फवारा जो है फुल ऑफ द नेचर, प्राकृतिक, नेचर मीन्स प्रकृति, प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ रहता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कुछ भी नहीं, कैन टेम, टेम मीन्स इसको, टेम मीन्स होता है नियंत्रित करना, कोई भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। चेंज एवरी मोमेंट, और यह हर पल, मूवमेंट मीन्स बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। किस कारण से? अपनी गति के कारण, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो अपनी गति के कारण यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, और फिर भी हमेशा समान रहता है। आप देखेंगे इसके हर क्षण ये अपने आकार को बदलेगा, लेकिन संपूर्ण रूप से देखें तो ये अपना आकार समान रखता है। तो अब हम लोग अगला स्टेंजा पढ़ते हैं, स्टेंजा नंबर सात, सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस मीन्स होता है बिना रुके हुए, यानी कि लगातार। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मीन्स होता है ऊपर उठना। फवारा बिना रुके हुए हमेशा ऊपर की तरफ चलता रहता है। सीजलेस कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट, और फवारा हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, ऐसा इसका स्वभाव है। तो इसके बाद में लास्ट हम लोग स्टेंजा पढ़ेंगे। तो हमने अनेक गुणों को देखा अब तक सभी स्टेंजा में, तो लास्ट स्टेंजा आठ में कभी कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन,
ग्लोरियस मीन्स प्रशंसा के लायक फाउंटेन फवारा, ऐ शानदार फवारे, ऐ प्रशंसनीय फवारे, लेट मी आई, लेट माई हर्ट बी, मेरे हृदय में तुम बस जाओ, मेरे हृदय में तुम बस जाओ, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स दृढ़ यानी पक्का इरादा, अपवर्ड और ऊपर की तरफ लाइक दी तुम्हारी तरह, और मैं भी तुम्हारी ही तरह स्वच्छ परिवर्तनशील कांस्टेंट और दृढ़ यानी कि दृढ़ विश्वास पक्के इरादे वाला और हमेशा विकास की तरफ जाने वाला हो जाऊं। काश ऐ फवारे तुम्हारे अंदर के गुण मेरे अंदर भी विद्यमान हो जाएं, ऐसा कभी कहता है तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको यह पूरा स्टेंजा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके सभी पैसेज से, स्टेंजा से क्वेश्चन आंसर।